नमस्कार जी कैसे हो नहीं नमस्कार क्यों करना यार आप लोग तो हो ही ना मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो देख लो साइट सो इफ यूर इट्स वर्ल्फ अंडर wolf_ae. God low on the track. एक चौदह साल का लड़का है जो यूट्यूब पर गेमिंग के वीडियोस बनाता है और अगर आपका दिल करे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना देख लेना अगर आपको पसंद है तो नहीं तो आपकी मर्जी अगर ये पांच चीज़ें कर लोगे दुनिया में कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको रोक सके जो आपको रोक सके आपका दोस्त आपका यार आपका हमदम आपका प्यार यार ये सदियों पुरानी प्रथा है हम फोटोग्राफ़र्स की के जो ये राज की बात हमने छुपा के रखी है मैं नहीं चाहता था कि मैं ये चीज़ शेयर करूं लेकिन क्या करूं आज मुझे बताना पड़ रहा है कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि कुछ प्रेशर्स हैं मेरे ऊपर जिसकी वजह से आज मुझे ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है आप तैयार हो जाओ आप ये वीडियो पूरा देखो ये तरीके ऐसे तरीक़े हैं जो कि टेस्टेड हैं और हर किसी ने फॉलो करे हैं बस आपको ही नहीं पता था कि ये क्या तरीका है जिससे आप इंस्टेंटली एक सक्सेसफुल फोटोग्राफ़र बन सकते हो तो जो पहली राज की बात है कि आप मार्केट में जाओ मार्केट में ये सर्च करो कि सबसे महंगा कैमरा कौन सा है सबसे महंगा कैमरा सबसे टॉप लेवल का कैमरा उसको जाकर ख़रीद लो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पिक्चरें अच्छी आएंगी ही आएंगी चाहे आपको फोटोग्राफी आती है या नहीं आती है उसके बाद जो टिप नंबर टू है वो आपको पता है क्या करना है आपको सारे लेंस ख़रीद लेने सिक्सटीन एम एम थर्टीन एम एम फिश आई सेवेंटी टू हंड्रेड जितने भी बढ़िया बढ़िया लेंसेज़ हैं प्राइम लेंसेज़ हैं सब खरीद लो आप इस चीज़ का ख्याल छोड़ दो कि फोकल लेंथ क्या होती है अपर्चर क्या होता है लेंस काम कैसे करता है आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको सारे लेंसेज़ ख़रीद लेने हैं क्योंकि आपका जो कैमरा बैग है वो तभी अच्छा लगेगा जब आप दस लोगों के बीच में अपना कैमरा बैग खोलोगे और उसमें ये सारे लेंसेज सजे हुए रखे होंगे टिप नंबर थ्री आपको सबसे पहले क्रिएट करना है फेसबुक पर एक पेज इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाना है और उसमें रखना है गज़ब सा नाम कि सोनू फोटोग्राफर आई लव फोटोग्राफी मतलब ऐसे कैप्शन रखने हैं आपको और अपना नाम मत रखो आपको नाम रखना है कुछ फाड़ू सा नाम द लाइट ग्रैबर द लाइट चेज़र ऐसे ऐसे नाम रखो लिखो फोटोग्राफी इज माई लाइफ उसके बाद एक अच्छा सा लोगो बनाना है अपनी फोटोग्राफी का नाम कि अक्षय कुमार फोटोग्राफी सुमित फ़ोटोग्राफ़ी क्योंकि लोगों के बिना फोटोग्राफी आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो लोगो होना बहुत ज़रूरी है उसके बाद आपको पता है ना आप एक टॉप के फ़ोटोग्राफ़र हो आपके पास टॉप के कैमरा हैं आपके पास टॉप के लेंसेज हैं तो आपको बनाना है एक वाटर और आप जो भी पिक्चरें डाल रहे हो उस सब के ऊपर वाटर लगाओ क्योंकि पता नहीं कौन आपकी पिक्चरें चुरा लेगा और इसके बाद सारे दोस्तों को सारे फैमिली मेम्बर्स को जिन जिन को आप जानते हो सबको मेल करो लिंक्स भेजो कि वो आपका पेज लाइक करें आपको फॉलो करें इंस्टाग्राम पर आपको सबको बुलाना है सारे रिश्तेदारों को बुलाना है ये लिख लो मतलब ये सारी चीज़ें भूल मत जाना ये मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और स्टेप नंबर फाइव जितनी भी आपके शहर में फ़ोटो वॉक्स हो रही हैं वहाँ जरूर जाओ सबको ज्वाइन करो वहाँ पर जाकर आपको अपना कैमरा बैग खोलना है अपने लेंसेज दिखाने हैं फोटोग्राफी को छोड़ दो आपको सबको चमकाना है क्योंकि ये बॉक्स ही हैं जहाँ पर जाकर आप शो ऑफ कर सकते हो जहाँ पर जाकर आप ये कैमराज दिखा सकते हो जहाँ पर जाकर आप ये लेंसेज दिखा सकते हो इसको भूलना नहीं है और आपको सब जगह जाना है अपना कैमरा बैग लेके पूरा पूरा कैमरा बैग लेके जाओ आपको ये कैमरा वैमरा की सेटिंग्स वेटिंग्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर्स हैं ना आपके पास फोटोशॉप है लाइट रूम है स्नैपसीड है वहाँ पे सारी एडिटिंग हो जाएगी वहीं पे सारा जादू होगा पिक्चर्स कैमरा में नहीं बनती हैं पिक्चर पोस्ट प्रोसेसिंग में बनती हैं ये अंदर की बात है मैं बता रहा हूँ और एक चीज़ और ध्यान रखो कि आपकी सारी पिक्चर्स एच होनी चाहिए मतलब सैचुरेशन फुल होना चाहिए शार्पनेस फुल होनी चाहिए तभी एक आप सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन सकते हो और इसके बाद आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें डालनी है इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे आपको लिखना है डी फॉर कोलैब आपको लिखना है फोटोग्राफी इज माई लाइफ एंड कैमरा इज माई वाइफ बस ये लिख दो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे क्रिएटिविटी व्रिएटिविटी गई मा तेल लेने पिक्चर कैसी भी हो लेकिन बैकग्राउंड बिलर होनी चाहिए भाई साहब बैकग्राउंड बिलर है तो आप फोटोग्राफर बन गए सदी के सबसे बड़े फोटोग्राफर आप ही बनोगे आज बहुत दिल पे पत्थर रखकर आपको ये पांचों टिप शेयर कर रहा हूं और ये राज की बात सिर्फ अपने तक रखना किसी को बतानी नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीजें आगे फैलें आगे नहीं बढ़ने देना हमें किसी को हमें सारी चीजें छुपा के रखनी है और जो आप बाकी के फोटोग्राफ़र हो ना जो आप मेहनत कर रहे हो धक्के खा रहे हो फोटोग्राफी सीखने की कोशिश कर रहे हो ट्यूटोरियल्स ले रहे हो कैमरा को समझने की कोशिश कर रहे हो और आप जो भी कैमरा आपके पास होता है उनसे अच्छी अच्छी पिक्चरें ले रहे हो आप कहीं नहीं पहुंच सकते आपका कुछ नहीं हो सकता फोटोग्राफर बनेंगे सिर्फ वही लोग जो ये पांच टिप्स फॉलो करेंगे ये ऊपर से मेरे को एक फरमान आया था कि मुझे ये शेयर करना ही पड़ेगा मेरा दिल बहुत हल्का हुआ है इस राज को दबा कर रखें आगे शेयर ना करें और ये वीडियो भी थोड़े दिन में डिलीट हो जाएगा ये सिर्फ चंद लोगों के लिए है और उनमें से वो चंद लोग आप हो समझदार को इशारा काफ़ी है क्योंकि बच्चों के हाथ में टाफ़ी है जा सिमरन जीले अपनी ज़िंदगी पंजाब फोटोग्राफर वो ही जो आप बनना चाहते थे